हेलो माय डायमंड आर्मी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों आज की वीडियो पे अंडे पर होंगे दो एक्सपेरिमेंट। दोस्तों एक होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी किसी भी चीज का वो वाला सेंटर जिसके गिर्द अगर उस चीज को घुमाएंगे तो वो उसके अराउंड में रोटेट होती रहेगी दोस्तों। और दूसरी चीज होती है डेंसिटी, यानी उसको कहते हैं हम कसाफत। तो दोस्तों बहराए मुर्दार, यानी जो समंदर एक है इसराइल और जोर्डान के दरमियान में, उसको कहते हैं बहराए मुर्दार, या अंग्रेजी में उसको कहते हैं डेड सी। तो दोस्तों डेड सी जो होता है उसके अंदर कोई सी भी चीज डूबती नहीं है। तो मैं साबित करूंगा कि भाई क्यों नहीं डूबती, यानी अंडा हमारा नहीं डूबेगा दोस्तों। और दूसरी चीज होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वो दोस्तों किसी भी चीज की अगर बैलेंस हो तो वो चीज बिल्कुल ही सीधी खड़ी रहेगी। और अगर दोस्तों वो बैलेंस ना हो, जैसे कि किसी भी लिक्विड की बैलेंस नहीं होती, तो वो यकीनन गिर जाती है। तो दोस्तों ये दोनों ही काम मैं करूंगा और अंडे के साथ करूंगा। आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने तो भाई दिल से थैंक यू। चलिए इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों मेरे पास मौजूद है एक अदद अंडा। अब बारी आती है इसकी। दोस्तों इस गिलास के अंदर 3 चमचे नमक मिला पानी है। इसकी डेंसिटी मैंने बढ़ा दी है। दोस्तों इस गिलास के अंदर सादा पानी है। इसकी डेंसिटी कम है। दोस्तों सादा पानी वाले गिलास के अंदर एक अंडा डालते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों देखिए अंडा तेह के अंदर बैठ चुका है, क्योंकि गिलास के अंदर जो पानी मौजूद था वो सादा था, इसकी डेंसिटी कम थी। अब दोस्तों इसी अंडे को इस दूसरे गिलास में डालते हैं। दोस्तों इसकी कसाफत यानी इसकी डेंसिटी ज़्यादा थी, इसलिए अंडा ऊपर तैर रहा है, यानी कि इसको डुबाने के बाद भी नहीं डूबता। अब बारी आती है दूसरे एक्सपेरिमेंट्स की। तो दोस्तों देखिए इस अंडे को मैंने घुमाया, यानी रोटेट किया या स्पिन किया, तो ये थोड़ी देर घूमा और रुक गया, यानी फ़ौरन ही रुक गया। अब एक और अंडा लेते हैं, इसको भी घुमाते हैं। तो दोस्तों देखिए ये भी फ़ौरन रुक गया। एक अंडे को हम उबाल लेते हैं। दोस्तों उबले हुए अंडे के साथ वही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं दोबारा से। तो दोस्तों देखिए ये भी तेह के अंदर बैठ गया सादा पानी में। अब इसी अंडे को लेते हैं और इस पानी के अंदर डालते हैं जिसकी डेंसिटी ज़्यादा थी। तो दोस्तों अब भी उबले हुए अंडे के साथ वही रिजल्ट आ रहा है जो कि पहले आया था। अब बारी आती है दूसरे एक्सपेरिमेंट की। तो दोस्तों उबले हुए अंडे को स्पिन देने के बाद देखें ये शानदार रिजल्ट आपके सामने है, यानी इसको घुमाया तो ये घूम ही रहा है और ये काफी देर तक अब इसी तरह घूमता रहेगा। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों इसके घूमने की वजह ये है कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जगह है, यानी जब ये लिक्विड फॉर्म में था, उबला हुआ नहीं था, यानी बॉयल एग नहीं था, तो उस वक्त इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जगह नहीं थी, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद था। और दोस्तों अब ये सॉलिड फॉर्म में आ गया क्योंकि उबल गया, तो इसलिए ये घूमे जा रहा है। दोस्तों देखिए ये सादा अंडा है, ये बॉयल नहीं हुआ हुआ, तो इसलिए ये घूम भी नहीं पा रहा।